कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना योद्धाओं ने जनता की सेवा की, लेकिन आज उनको उस सेवा का क्या फल मिल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण ज्वालामुखी स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया है। यहां रोगी कल्याण समिति के तहत रखे गए सफाई कर्मचारियों को दरकिनार किया जा रहा है। मसलन स्वास्थ्य विभाग ने 12 साल तक इन कर्मचारियों की सेवाएं ली और अब इनको निकालने की बात हो रही है। अपनी परेशानी को लेकर कर्मचारियों ने धर्मशाला में सीएमओ कांगड़ा से मुलाकात की। जब हमें कोरोना में ड्यूटी दे जब ना हमको नहीं निकाला उन्होंने, अब बोल रहे कि ठेकेदार के थ्रू अपना काम नहीं करना तो अपने अपने घर बैठो। जब अब विधायक के पास गए तो विधायक ने ये बोला कि आप अपने अपने घर में रहो, नहीं तो बोले किसी डॉक्टर के घर में बर्तन साफ कर लो, नहीं तो बोले आपको तो आदत पड़ी होगी बोले हॉस्पिटल में नए नए मरीजों को देखने की, बंदे आते जाते को देखने की। सर परेशानी है कि जैसे हम आरकेएस में रखा गया था ना जैसे आरकेएस में रहना चाहते हैं उसी मुताबिक नौकरी करना चाहते हैं ना, 6,000 रुपये गुजारा करने थे अपने कोरोना काल में भी नौकरी की और दिन रात एक जैसे हमने मतलब नौकरी की है और मुंडे से मुंडे लाकर सरकार का चले, अब हमारे करें ठेके ऊपर काम, ठेके के ऊपर काम नहीं करेंगे और रोगी कल्याण समिति की तरफ से रोगी कल्याण की तरफ से काम करेंगे। पेमेंट 4-5 महीने की पड़ी हुई है सर, हमें नहीं मिली है, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है, कभी पैदल जा रहे कभी कैसे यार कभी कैसे, किराया भी नहीं यही में होता है। खास बात तो ये है कि इनको पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब ये लोग अपने प्रशस्ति पत्रों की माला चढ़ाकर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब इनकी रोजी रोटी का सवाल है। देखना ये होगा कि इन पीड़ित कर्मचारियों को न्याय मिलता है या फिर इनको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार फर्स्ट।